आज हम लोग चल रहे हैं खंडागिरी। खंडागिरी जगह का नाम है और आज हमारा यहाँ तीसरा दिन है जहाँ हम लोग घूमने चल रहे हैं। तो अभी बज गया है पूरा 12:00 हो रहा है। तो अभी हम लोग पूरा फैमिली रेडी, लोग इतने सारे लोग निकल गए हैं खंडागिरी के लिए। और खंडागिरी यहाँ से काफ़ी दूर है, 28 किलोमीटर। काफ़ी ज़्यादा मुसीबत भरा ये सफ़र होने वाला है। तो अभी हम लोगों को यहाँ से जाना होगा हाईकोर्ट, और हाईकोर्ट से हम लोग को एक ऑटो लेना होगा, और फिर ऑटो से जाना होगा बादामबाड़ी, फिर बादामबाड़ी से एक बस लेना होगा, फिर उसके बाद हम लोग पहुँचेंगे भुवनेश्वर, और फिर भुवनेश्वर से एक ऑटो लेना होगा, फिर वो हम लोग को लेकर चलेगा जो हमारा डेस्टिनेशन है। कौन सा डेस्टिनेशन था? उदयगिरी और खंडागिरी। क्या बात करता है यार। तो काफी लंबा सफर होने वाला है और हम लोग निकले हैं, पूरे 1 दर्जन लोग हैं। तो सबसे बड़ा मुसीबत वो है, और हमारे साथ है बच्चा पार्टी लोग। तो इन लोग बहुत धीरे धीरे चलता है। तो चलिए आगे कैसा सफर रहता है और मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे आगे। नो। मिल गया है ऑटो, और हमारे आसपास ये हाईकोर्ट का एरिया है और यहाँ से ऑटो ऑटो चलते रहता है। तो ये गाड़ी हमें लेकर के चलेगा बादामबाड़ी। हम लोग पहुँच गए हैं बादामबाड़ी, और यहाँ पता नहीं इन लोग ऐसा क्या करते हैं, हाथ पकड़ के बस वाला लोग ले जा रहा है। कौन है? मेरे फैमिली लोग कौन लोग ले गया है, कहाँ से आते हैं? सामान वामान भी उन लोग कैरी कर लिया। शायद इस बस में हमें जाना पड़ेगा। हम लोग अभी बैठ चुके हैं इस बस में। ये बस का कंडीशन कुछ ऐसा है, और ये बस शायद हम लोगों को खंडागिरी या उससे पहले छोड़ देगा। कंडक्टर को बोलना खंडागिरी, अब पता नहीं ये खंडागिरी लेके लोग उतरे हैं। और फिर यहाँ से हम लोग को लेना होगा ऑटो, और ये ऑटो ऑटो का यहाँ भाड़ा बहुत ज़्यादा है। तो हमें हमारा बस यहाँ पे उतार दिया, और फिर शायद बस का यहीं पर रोड है, और यहाँ से हमें लेना होता है ऑटो। तो अभी हम लोगों ने ऑटो ले लिया। नो। और यहाँ पे जो बस वाला हमें उतार रहा है, तो हम लोगों को बेवकूफ़ बना करके ज़्यादा भाड़ा ले रहा था, तो हम लोग को वो बात नहीं सुन रहा था। तो हम लोगों ने पुलिस कंप्लेन किया, तो फिर चल झूठा, फिर वो माना। और फिर हम लोग अभी यहाँ से ऑटो लेकर के जा रहे हैं। ऑटो वाला लोग को भी यहाँ बहुत ज़्यादा 4 से 2 किलोमीटर के यहाँ पे हम लोग 120 से 150 करता है। तो अभी चलते हैं, ये बोल रहे हैं हम लोग गेट के पास उतारेंगे। मिलते हैं गिरी गेट पे। हम लोग अभी पहुंच गए हैं खंडागिरी, और इधर है खंडागिरी। यहाँ से 2 किलोमीटर हम लोग को आने के लिए पैसा काफ़ी ज़्यादा देना पड़ा। ये है खंडागिरी, और इस साइड है उदयगिरी। ये है उदयगिरी। ऑटो वाला बोला है खंडागिरी का कोई पैसा नहीं होता, उदयगिरी का पैसा होता है। ये है कुछ खंडागिरी का सीन। ये तो पूरा पहाड़ के तरफ लग रहा है, और यहाँ से एंट्री होता है खंडागिरी का। तो अभी हम लोग उसको ऊपर चलते हैं। तो हम लोग अभी चढ़ रहे हैं खंडागिरी पहाड़ पे। ये लगता है पूरा पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है। और यहाँ पे एक भैया हमें शायद बादाम बेच रहा था, बोला था जाते वक्त लेते जाओ वरना बंदर तुम लोग को वहाँ रुकने नहीं देगा। और ये पूरा केव बनाया हुआ है। तो अभी हम लोग ऊपर चलते हैं। यहाँ पे शायद कुछ स्टूडेंट्स लोग भी आए हुए हैं, तो अपने को किधर चलना है, शायद यहाँ पे यही है, और क्या है उधर भी कुछ है। तो अभी हम लोग इसको सही से एक्सप्लोर करेंगे। ये कुछ फर्स्ट केव है, और ऐसा कुछ बनाया हुआ यहाँ पे, पता नहीं इसमें लोग रहते थे क्या होता था। तो ऐसा कुछ सीन है, केव में कोई रहता था क्या था, मैं तो यहाँ पे नहीं खड़ा नहीं हो सकता। और यहाँ पे आवाज भी गूंज रही है, और गेट कितना छोटा है। तो अभी यहाँ से हम लोग निकलते हैं, से निकल गए। ये दो तो दरवाजा बनाया हुआ, मेरे फैमिली लोग दूसरे तरफ गए। खड़ा पहाड़ है, उन लोगों के लिए काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ से कुछ ऐसा सीन है। नजारा काफी खूबसूरत है, ऊपर भी लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ से नीचे का नज़ारा तो और ज़्यादा काफ़ी खूबसूरत है। और मेरे बगल वाला पहाड़ पे यहाँ से नीचे उतर के वहाँ, तो वहाँ भी बहुत सारे लोग जो है फोटो वगैरह ले रहे हैं। और वहाँ पे ज़्यादा केव है, यहाँ पे तो कुछ नहीं, बस नीचे में शायद हम लोग के केव नज़र आया था, और ऊपर में सिर्फ पहाड़ है। तो हम लोग अभी ऊपर भी चलेंगे। हम लोग हैं एकदम इस पहाड़ के टॉप पे,
और यहाँ से नीचे, और मेरे पीछे बस एक मंदिर है और इस पे फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी करना मना है, तो हम लोग को यहीं तक रहना, यहीं तक रिस्ट्रिक्शन है। हो दुल्हन सी सजी धरती, खुला वो आसमान। तो अभी धीरे धीरे यहाँ पे लोगों की भीड़ बढ़ते जा रही है। लोग जिस टाइम आए थे यहाँ पे इतने लोगों की भीड़ नहीं थी। दूसरा सीढ़ी इस साइड भी क्रिएट किया गया है, इस साइड भी कुछ केव्स बनाया गया है जहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, और सामने ये सीढ़ी है और यहाँ से लोग उतरते हैं। बट यहाँ पे शायद कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चल रहा है, लोग चल रहे हैं नीचे की तरफ। ऊपर पहाड़ वगैरह में चलने से काफ़ी ज़्यादा पैर वगैरह दर्द कर रहे हैं। उदयगिरी यहाँ पे टिकट लेना है, टिकट का प्राइस आप देख सकते हैं, इंडियन के लिए 25 रुपया, फॉरनर के लिए 300 रुपया, सिटीजन के लिए 25 रुपया है। इधर से नीचे जो लोग हैं उनके लिए फ्री है। यहाँ से उदयगिरी का एंट्री और यहाँ से सारा स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हर तरफ में केव बना हुआ है, तो अभी हम लोग ऊपर भी जाएंगे। अभी हम लोग ने खा पी एकदम मस्त रेडी हो गए हैं और यहाँ से हम लोग अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग चलेंगे अभी इधर से, ऐसा कुछ सीन है यहाँ से। तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग को आगे क्या क्या चीज़ देखने को मिलता है। तो हम लोग अभी चढ़ रहे हैं ऊपर, यहाँ हर तरफ एक केव बना हुआ है, तो आपको सारा केव को बहुत सही से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो ये पूरा ऊपर चढ़ाई है, हम लोग धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे हैं और चढ़ते चढ़ते नज़ारा भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होते जा रहा है। तो हम लोग अभी पहले इसके अंदर में चलते हैं। चल 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 चल, गाड़ी स्टार्ट कर। यहाँ पे लिखा हुआ है बटाला पूरी गुम्फा। यहाँ पे एक दो छोटे छोटे हाथी घोड़ा कुछ नज़र आ रहा है, ये सबको टच करना मना है। और यहाँ से ऐसा कुछ जो ऊपर बनाया गया है ना, तो मैं विकिपीडिया में पढ़ा था कि इसको लोग सर रख करके सोते थे। चल झूठा। तो ऐसा कुछ सीन है यहाँ का, और ये शायद धीरे धीरे क्रैक हो रहा है, तो क्रैक को फिलिंग करने का कोशिश किया गया है। इस पहाड़ पे कुल 18 केव्स है और उस पहाड़ पे जो टोटल 15 केव्स है, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन हमें विकिपीडिया से जानने को मिला है। और यहाँ सचमुच के जो उस टाइम के लोग जो है रहा करते थे, ये करीब 200 something BC का बात है जब यहाँ पे लोग रहा करते थे। खलवेरा ऐसा कुछ राजा किंग था, उस टाइप के लोग यहाँ पे रहते थे। और यहाँ पर का आप हाइट देख सकते हैं, उस टाइप जहाँ लोग रहते थे कितने छोटे हाइट को हुआ करते थे। ऐसा कुछ यहाँ पे का सीन है, यहाँ पे और काफी बड़ा बड़ा ऐसा केव बनाया गया है। अभी कुछ दिन पहले इसको क्रिएट किया गया है, ये पहले नहीं था, ये गिर ना जाए उसको लेकर के ऐसा कुछ क्रिएट किया गया। क्या बात है, यहाँ पे हर तरफ में ही केव्स बनाया हुआ है। एक केव ये है, दूसरा केव्स वहाँ है, और इस टाइप के बहुत सारे केव्स जैसे वो सब भी जो है वो भी एक केव ही है। जैसे कि विकिपीडिया में बोला गया था कि यहाँ 18 केव है, लेकिन यहाँ पे तो मुझे उससे काफ़ी ज़्यादा केव नज़र आ रहा है। इस साइड में जहाँ तक देख रहा हूँ सारा केव ही बनाया हुआ। यहाँ पे एक बाघ केव भी बनाया हुआ है, इसका शक्ल जो है कुछ बाघ से मिलता जुलता है, तो मैं नहीं मानता। इसको ऐसा कुछ क्रिएट किया गया। और हम लोग अब इस गुफा का सबसे ऊपरी इलाके में जा रहे हैं। यहाँ से नज़ारा जो है काफ़ी खूबसूरत लगता है, क्योंकि हम लोग एकदम टॉप पे हैं, नीचे देखने से सिर्फ धुआं टाइप में नज़र आता है। शायद नीचे किसी ने कुछ आग वाग जलाई है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं नीचे, तो मेरी फैमिली वाले लोग नीचे पहुंच गए और नीचे भी शायद कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, तो अभी हम लोग नीचे चलते हैं। इसका नाम है गणेश गुफा और यहाँ पे उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और इसके सामने जो है एक दो हाथी बना हुआ है, और सामने जो है कुछ कारीगरीज वगैरह की गई है जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, बट काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो गया है। और सामने में जो है कुछ डैमेज भी हुआ है जिसको लेकर के रिपेयर किया गया है। और इस साइड भी शायद कुछ है, और साइड कुछ रहा ना रहे। ये पेड़ जो है काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है,
अभी हम लोग फिर से वहीं ऊंचाई पे जा रहे हैं, वहां से अब सनसेट होने वाला है तो फोटोज काफी बढ़िया आएगा। इस खूबसूरत से प्लेस का बाय बोलने का टाइम आ गया है, तो अभी हम लोग इस खूबसूरत से प्लेस से निकल रहे हैं बाहर, और ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जगह है। आप अगर इंडिया से तो इसको ज़रूर से विज़िट करिएगा, यहाँ पे एंशिएंट पीरियड के बहुत सारे राज यहाँ पे छुपे हुए चल झूठा, और काफ़ी खूबसूरत जगह भी है। और इस वीडियो को करते हैं हम लोग यहीं पे ख़त्म। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।